हाँ, डार्क येलो जो है वो जॉइंटिस की वजह से दिखता है, कलरलेस जो है वो आपका डायबिटिक कंडीशन की वजह से दिखता है, मेलाइटस, डायबिटिक कंडीशन मेलाइटस की वजह से, ठीक है। और ब्राउन कलर जो है मोर आयरन और पोशन की वजह से मिलता है, ग्रीन कलर जो है बाई पिगमेंट की वजह से मिलता है, व्हाइट कलर जो है वो आपका कंडीशन ऑफ सेल्यूरिया, ठीक है, सेल्यूरिया की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन ही चल रहा है। अब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल एबनॉर्मल क्या यहाँ पे, तो नॉर्मल का मतलब है एरोमेटिक, मतलब उसकी फ्रेगनेंस कैसी आ रही है, क्लियर हो गया, स्मेल कैसी है, बेसिकली फाउल स्मेल है यानी ओडस स्मेल है, फाउल स्मेल होता है एबनॉर्मल में। यूरिन अगर महक रहा है आपका बहुत ज्यादा, स्टिंकी सा लग रहा है, इसका मतलब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका ऑर्डर जो है वो खराब हो रहा है, यानी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है या कोई सेल, डेड सेल्स ज्यादा आ रहे हैं आपके यूरिन। क्लियर हो गया, डेड सेल मतलब बस सेल्स ज्यादा आ रहे हैं, समझ में आया। अब आगे क्लियर, डेड सेल का मतलब पस सेल बढ़ गया है यूरिन में, क्लियर है, ठीक। उसके बाद अब आ जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर है, टर्बिड है ड्यू टू एल्ब्यूमिन पस सेल्स। देखो जितना ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा, जितना ज्यादा पस सेल होगा, उतना ज्यादा आपका जो यूरिन है वो गाढ़ा होगा, टर्बिड होगा, क्लियर हो गया। जितना ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा, जितना ज्यादा पस सेल होगा, उतना ज्यादा यूरिन गाढ़ा होगा और टर्बिड होगा, ठीक है। एक चीज और बताई थी, अगर किसी के यूरिन अगर व्हाइटिश दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ, तो उसको कहना है उसका टीजी लेवल बढ़ा हुआ है। हाँ, यहाँ लिखा तो है कंडीशन ड्यू टू क्लाई यूरिया, जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है व्हाइट। अच्छा, क्लाई यूरिया टीजी को कहते हैं, टीजी को कहते नहीं है, वो कंडीशन जिसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जिसका एल्ब्यूमिन और पस्सेल बढ़ गया उसका ट्रांसपेरेंसी घट जाएगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अब मैं बात करूं वॉल्यूम, यानी नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो आपका 1.2 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक का वॉल्यूम रहता है, यहाँ पे एमएल में लिखा हुआ है, तो 1200 से 1500 एमएल यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में लो यूरिया यानी आउटपुट ऑफ यूरिन जो है वो मोर देन 2000 माइक्रो लीटर हो जाता है, सॉरी 2000 एमएल हो जाता है, यानी 2 लीटर से ज्यादा हो जाता है। उस केस में क्या होता है, आपका डिजीज जो है वो क्या होता है, डायबिटिक डिजीज के अंदर में देखा जाता है, यानी जिसको शुगर पेशेंट जो होता है उसका यूरिन बहुत जल्दी जल्दी पास होता है। नोटिस कर लेना, अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो यूरिन बहुत जल्दी पास होगा, क्लियर। क्यों पास होगा, क्यों पास होगा, किडनी का काम क्या है, अगर ब्लड पे कोई चीज बढ़ रही है तो उसको बाहर फेंकेगा, शुगर बढ़ा हुआ है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, आपका इंसुलिन बॉडी में काम नहीं कर रहा है ढंग से। शुगर सबकी बॉडी में होता है, मेरी बॉडी में भी है, तुम्हारी बॉडी में भी है, लेकिन बढ़ जाता है, डाइट के हिसाब से कंट्रोल की जा सकती है, डाइट के हिसाब से कंट्रोल की जा सकती है। 180 यूनिट जो होता है शुगर का ब्लड के अंदर, अगर वो क्रॉस कर गया, 180 से ज्यादा क्रॉस कर गया तो यूरिन में ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। 100 ग्राम पर डीएल से अगर बढ़ गया ब्लड के अंदर शुगर, रैंडम हो या पीपी हो या फास्टिंग तो किसको से बहुत ज्यादा हो जाता है, पीपी और रैंडम की बात कर लेते हैं, तो आपके यूरिन